मुझे पानी का बहुत डर लगता है, स्पेशली वो जो स्टंट्स होते हैं ना जिसमें पानी के अंदर जाके सांस रोक के ताला खोलना, ये सब वो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंने भी वही चेक किया, उनकी गर्मी हमारी गर्मी नहीं है। हाँ, but at least room temperature wine वहाँ की अलग होती है, हमारी अलग है। It's better than you know other countries. At least it's going to be better for us. You know, अगर ज़्यादा ठंड होगी तो ज़्यादा problem होगी। Ignorance is bliss. How वहाँ तो गर्मी है। क्रोकोडाइल हो गया या हाइट हो गई, वैसे इंटरेक्शन हम रियल लाइफ में तो कभी फेस ही नहीं कर पाते। आई मीन 40th फ्लोर से जंप करना एंड ऑल दैट, तो पता नहीं उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है। अगर कोई देता है तो प्लीज बताइए। मैं बता रही हूँ साइड, कोई और नहीं बताएगा, प्लीज थैंक यू। राइट इज डन। चलो ग्रीन सेंटर स्टार्ट फ्रॉम खिलाड़ियों चिपक जाओ गाइस, चिपक जाओ, चिपक जाओ। व्हाट इफ वो नहीं चिपकना चाहता, फ्रेम के बाहर ना हो जाओ। मुझसे आप ही बने ना उमंग। आई थिंक हम सब जितनी अच्छी एनर्जी है हम सब में, टचवुड वो वैसी बनी रहे। एंड आई थिंक जब हम लोग टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, हम सब एक दूसरे के लिए चेयर कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि वो अपने टास्क अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। और जब हम साथ में कंपीट कर रहे होंगे देन ऑब्वियसली हम बेस्ट से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे और टक्कर देंगे। आपने प्रिपरेशन क्या किया, क्वेश्चन था? प्रिपरेशन ये है कि आई थिंक पूरी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रिपरेशन करते रहते हो, एंड मेरे लिए तो खतरों के खिलाड़ी में आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। तो जैसे कि इनका कहना है कि मैं जिम नहीं करता हूँ, मैं जिम्स करता हूँ, तो बट दैट हैज नथिंग टू डू विद खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज इट हैज लॉट टू डू विद योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो आई थिंक लेट्स सी कि किसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। ऑल्सो मुझे सॉरी नहीं जाता, प्लीज गो। मुझे लगता है कि यू नो खतरों में जिस तरह के स्टंट्स हम फेस करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया या हाइट हो गई, वैसे इंटरेक्शन हम रियल लाइफ में तो कभी फेस ही नहीं कर पाते। आई मीन 40th फ्लोर से जंप करना एंड ऑल दैट, तो पता नहीं उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है। अगर कोई देता है तो प्लीज बताइए। बट एनी मैं तो घर कूद के जाता हूं ऐसे वापस। अच्छा, लिफ्ट। आई विल सी दैट। हां अभी देखना। हां वही मैं रोमानिया में लेकिन पिछले दो महीने से थोड़ा डाइट, खाने और पीने का ध्यान रखा है। ये जो बोल रहा है पिछले 6 महीने से रख रहा है, इसने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है। उतार दे, क्या उतारूं? शर्ट नहीं, चलो हो ही जाए, हो ही जाए। हां हां, लेट्स गो फॉर इट, गो फॉर इट। अब आपकी बारी। मेरी तो है ही नहीं, मेरी सच में नहीं है। तो फिटनेस में जैसे आई थिंक हम सब ने ध्यान रखा हुआ है,
खाने पीने का ध्यान और आई थिंक थोड़ा स्टैमिना एंड्योरेंस उस सब पे एक दो महीने से ध्यान दिया गया है मतलब ज्यादा ध्यान दिया गया है ना बाकी जैसा झूठ बोल रहे पार्टी कर रही थी तीन दिन पहले हाँ तो एंड्योरेंस से पार्टी का क्या लेना देना एंड्योरेंस से ही पार्टी का लेना देना नहीं नहीं और जैसे नियति बोल रही थी आई थिंक ऐसी कोई प्रिपरेशन हो नहीं सकती मगरमच्छ के आंसू दिखते हैं हमें मगरमच्छ दिखता है यहाँ पे बाकी तो भगवान मालिक है क्या होगा एग्जैक्टली हनुमान चालीसा डेफिनेटली याद करके रखी है भगवान के नाम पे मेरा वेट थोड़ा आई थिंक एज नियति सेड दैट ऐसे हम लोग रियल लाइफ में तो चीज़ें कितनी सारी होती है जो फेस नहीं करते हैं वहाँ जाके पता चलेगा और किन किन चीज़ों से डर लगता है और कितना डर लगता है और इससे भी फोबिया था अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था और अब उसको ओवरकम करना है सो आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो डर है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया का है बाकी सब मैनेज हो जाना चाहिए थोड़ा सा मतलब एक छेद हो डब्बे के अंदर लाइट हाँ हाँ बस उतना ठीक है अच्छा बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं किस किस को मेरे को रेक्नोफोबिया है विच इज द फियर ऑफ रेप्टाइल्स स्पाइडर्स और हाइपरट्रोपोफिया सांप और ऐसी चीजें हैं बेसिकली जानवरों से डर लगता है बाकी तो कूदा लो कहीं से भी मेरे को और डुबा दो कहीं पे भी बच के आ जाऊंगा मुझे लगता है बाकी कलर्स टीम और एंडमल ने प्रॉमिस किया कि मरने नहीं देंगे तो ठीक है बाकी सब मुझे पानी का बहुत डर लगता है स्पेशली वो जो स्टंट्स होते हैं ना जिसमें पानी के अंदर जाके सांस रोक के ताला खोलना ये सब वो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है तो आई डोंट नो क्या होने वाला है जैसा मेरा चेहरा अभी आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है तो पप्पू मैकेनिक बनाते हैं चाबी अभी से बनवा जाते हैं हम बट वो मुझे पानी में सांस लेना तो नहीं सिखा पानी में सांस तो कोई नहीं ले सकता एग्जैक्टली वो पॉइंट ट्रू मैक्सिमम टाइम आप कितना रोक सकते हैं कितना रोक सकते हैं यार मेरा एक क्वेश्चन है हमेशा पानी को लेकर यार जैसे हम हवा नहीं देख पाते हैं क्या मछलियां पानी देख पाती हैं ये टेक्निकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप फोबिया बताओ पहले मेरा फोबिया हर चीज से है टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हर चीज से मेरी फटती है एक सडनली अगर बच्चा पीछे से आके मुझे ढप्पा भी कर देगा मेरी फट जाएगी that's a very honest reaction I have but then after that what happens is I like facing it so let's face it there खतरों के खिलाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है और हमने इसे नहीं चुना है इसने हमें चुना है राइट मैं आई माइट बी टॉकिंग रॉन्ग ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी एल्स बट आई एम सिंसियरली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ आई एम रियली ऑब्लाइज्ड ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे चुना है एंड ये अपॉर्चुनिटी दी है एंड लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ इट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बट सी आई थिंक जो चीज मतलब सही वक्त पे सही चीज होती है एंड ये हमारा वक्त है इसलिए हम इस वक्त यहां है ये वक्त हमारा ट्रू 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 इस बार रोमानिया में हो रहा है केप टाउन में नहीं हो रहा है पूछ तो ऐसे रहे जैसे हम लोग रोज केप टाउन से आना जाना हमारा हैं आप तो इस बार केप टाउन में ही शूट इस बार आपकी मेट्रो अलग जा रही है पर इस बार रोमानिया में हो रहा है तो हमें रोमानिया का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा यू नो और लकीली रोमानिया में भी गर्मी है तो गुड फॉर अस 11 डिग्री है अभी मैंने भी वही चेक किया उनकी गर्मी हमारी गर्मी नहीं है हां बट एटलीस्ट रूम टेंपरेचर वाइन वहां की अलग होती है हमारी अलग है इट्स बेटर देन यू नो अदर कंट्रीज एटलीस्ट इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर अस यू नो अगर ज्यादा ठंड होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी इग्नोरेंस इज ब्लिस हाउ इग्नोरेंस तो गर्मी है गर्मी इन द सेंस इट्स गोइंग टू बी प्लेजेंट इज व्हाट आई एम सेइंग 40 डिग्री से तो बेटर है ना यार पासपोर्ट शीज टाइम या दिस हां सी थैंक यू पानी में सांस रोकना पड़ेगा 11 डिग्री पे तो बेटर ही होगा हाँ माइनस डिग्री से तो बेटर ही होगा आप सभी का फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन सा ऑल सीजंस के अगर मैं बात करूं या मेरे तीन रहे भारती पुनीत एंड दीनो क्योंकि तीनों बहुत ही रियल ऑर्गेनिक एंड अगर उन्हें डर लगा है तो उन्होंने डर को फेस किया है और उससे लड़े हैं और अपने अपने तरीके से लड़े लाइक दीनो हैज बीन रियल एंड रॉ whereas इफ यू टॉक अबाउट पुनीत तो पुनीत हैज बीन वेरी स्टैटिस्टिकली ड्रॉन टुवर्ड्स अ टास्क भारती हम सब कैसे हैं ना फट रही है तो फट रही है मगर खेलेंगे कोई बात नहीं कर वो मैं कर लूंगी तो या वेरी रियल एंड रॉ
मुझे डीनो डेफिनेटली ही परफॉर्म्ड सो वेल. अर्जित ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. उसका बहुत मेजर फियर था हाइट का, उसने वो ओवरकम किया. आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. या काफी बार. एंड दिव्यांका त्रिपाठी, शी हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल. सो डेफिनेटली सारे सारे सीजन देख के आई है. एग्जैक्टली मैं वही सोच रही थी, क्योंकि मैंने कुछ कुछ स्टंट्स ही देखे हैं. एंड यू नो कुछ कुछ स्टंट्स में भी आई वाज लाइक निया ने बहुत अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए. यू नो जहाँ पे बहुत ही एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, और उसने वो सारे स्टंट्स बहुत ही अच्छे से किए थे. मैंने कोई सीजन नहीं देखा है, थोड़े बहुत इधर उधर के स्टंट्स देखे हैं. बट अगर फ्रेंड्स, हाँ वही का देखा था मैंने, एक आध एपिसोड रवि का देखा हुआ है. बट जस्ट two three stunts as she said, not I have not followed this season. I think fear factor jab pehla aaya tha foreign wala wo dekha tha maine thoda, but otherwise I have not really followed this season. 90 khatro ke khiladi अभी बता दो ताकि वही वो देंगे. हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है. रोहित सर पहले पूछते हैं कि कौन सा स्टंट किस चीज से आपको को डर लगता है, फिर वो आपके सामने रखते हैं. तो ऐसा तो हम उल्टा करेंगे ना अभी. हाँ. हम बताएंगे वो स्टंट जो मुझे हाइट से बहुत डर लगता है यार, मैं कैसे. और पानी तो मैं मछली की तरह तैरती हूँ यार. जानवरों को तो खा जाता हूँ मैं. जानवरों कोई भी स्टंट होगा मैं यूं कर लूंगा. हाइट पे मत डालना और क्या, और गाड़ी में चलवाना मुझे. हाँ गाड़ी में चलवाना मुझे. हाँ, हाँ. ऐसे से होता है. तो रोहित सर सुन रहे हो ना आप, प्लीज सर बहुत रुलाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब ये चीज़ पता चलेगी. अभी तो सब अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करके आ रहे हैं. एंड आप किसी की बॉडी को देख के जज नहीं कर सकते हो, या आप बस ऐसे इंस्टाग्राम पे हाँ स्टॉक किया पता चल गया हाँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है. यू कांट जज दैट जब तक आप उधर जाके उनकी परफॉर्मेंस ना देखो. क्योंकि प्रीवियस सीजन्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बहुत फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ऐसा लगा था ये तो मतलब जीत भी सकते हैं. बट उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी. सो यू नेवर नो. ऑल्सो आई थिंक सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है. आई मीन किसी की एंड्योरेंस अच्छी होती है, किसी का पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा या कम होता है, किसी की कुछ फोबियाज होते हैं. सो आई थिंक उस वजह से भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है. ट्रू. अब तक तो मैं बोल रहा था मुझसे डर रहे होंगे सब, लेकिन अब इनकी बातें सुन के मुझे इन दोनों से डर लग रहा है. थोड़ा ये पूरा प्रिपेयर्ड आई हैं तो क्या होगा वहाँ जाके बताएंगे. हाँ मतलब एक्चुअली वही होता है ना, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों से लड़ने नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप पहले खतरों से लड़ने जा रहे हो. उसको टाइमली कैसे लड़ पाओगे वो देखने जा रहे हो, और उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो यू कांट रियली थिंक अबाउट इट बिफोर हैंड एंड टेक योर गेम फॉरवर्ड. थैंक यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बाय. थैंक यू. थैंक यू. कम ऑन. नहीं, अब तो जा रहे हैं. अरे उल्टा जा रहे हैं.